ਬੜੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਹੋ ਹਾਏ ਅੰਮੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅੰਮੀ ਕੀ ਹਾਏ ਅਫਸ਼ਾ ਵੇਖਣੀ आपका सबका ठीक ठाक है, हैर हैरियत से हैं। और जी मैं भी खैरियत से हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो आज का व्लॉग का सीन कुछ ऐसे है, कुछ तो लोग हमें बातें कर रहे हैं, आज हमने उनका थोड़ा सा जवाब देना है। और बाकी आ गई हैं अम्मी आज और अफशा आई है। हम बोर हो रहे थे, दिल बड़ा बाजार परेशान था, हॉस्पिटलों में 2-3 दिन से हम परेशान हो रहे थे, बड़ा खजल खराब जिसको कहते हैं वो हो रहे थे। तो ना हमने कहा चले जी अब घर चलते हैं, व्लॉग नहीं आ रहा 2-3 दिन से, व्लॉग का अपना स्टार्ट करते हैं, अपने काम पे वापस आते हैं। तो खाना शाना बनाया। अच्छा जी आज आप गेस करें मैंने क्या पकाया। ठीक है, गर्मियों की हांडियाँ तो बहुत ज़्यादा होती हैं, वो पानी मेरा बॉयल हो चुका। अच्छा ये नहीं दिखाने, फिर पता लगेगा। आज आप लोगों ने मुझे कॉमेंट्स में बताना है मैंने क्या सब्जी बनाई है जिसको मैंने थोड़ा सा वेट लगवाया है। ठीक है, मैंने सब्जी को लगवाया है वेट, ऑलमोस्ट मेरी खाना जो है वो रेडी हो चुका है। तो मैं ना आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, मैं आपके सबके कमेंट पढ़ूंगी कि मैंने आज क्या बनाया है। तो अम्मी आई हैं तो अम्मी का चले आ जाएगी अफशा को, हमने कहा आ जाओ आज चाय इकट्ठे पीते हैं। तो वो शाम की अजानें हो चुकी हैं तो हमने नमाज वगैरह पढ़नी है। तो अब आई है अफशा, ये देखो महीन क्या लग रही है, चंगड़ी लग रही है ना, ये देखिए चाबी दे रही है। लो जी चाबियाँ मुझे वापस लेनी है। और महीन को गर्मी से गाने निकल रहे हैं, आप चलते हैं ऊपर देखते हैं ऊपर का क्या सीन है। अच्छा ये देखिए कमरों की लाइटें, शाम के टाइम लाइट हम जला देते हैं क्योंकि अजानों का टाइम होता है। तो अब अजानें हो चुकी हैं तो मैंने कहा बिल हमारा अपनी जेब से जा रहा है, तो क्या नाम लेते ना, ये आईफोन का चार्जर है जो कभी भी नहीं इन्होंने संभाल के रखना होता। आपको पता है कितना महंगा आता है आईफोन का चार्जर, ये लो ये रखो। चलो आज ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं मरियम क्या बना रही है। तो हम क्या हमने क्या बनाया, ऊपर भी प्रेशर लगा हुआ है, पहले कभी होता था सब्जियों को प्रेशर नहीं लगते थे, अब तो सब्जियों को भी प्रेशर लगते हैं। तो हाँ जी बढ़िया मर्जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है सब, खैरियत से हैं। मैं ना शाम का टाइम था, सबके लिए बनाया मिल्क शेक वो पिया, और नमाज का टाइम हो गया तो अब मैं बना रही हूँ चाय। चाय देखो जी चाय चाय बन जाऊंगी, क्योंकि मैं चाय बनाने लगी हूँ, बता कुछ कर लूँ। और जी सब कैसे हैं, हरियत से हैं। आज मैंने बनाई है आलू मेथी, दिल कर रहा था खाने को। और चलो मैं अंदर आती हूँ, आप अंदर चलो। तो छाँस चढ़ गया, मैं ऊपर आ गई, मौसम देखा जी, आओ गाइस मौसम दिखाने। चलो जी कैमरा मैन करवा ही रहा हूँ, ये देखे जी मौसम कितना मजे का हुआ, मैं इसका हम कह सकते हैं बड़ा मजे का मौसम है, सही सैर करने वाला मौसम है। ये देखिए शान अपने शॉपर उड़ाएगा, बादल के चेक करें, बड़ा प्यारा मौसम है, अभी आइसक्रीम खाने वाला मौसम है। तो चलो आज जो सारे आइसक्रीम खाने चलते हैं। और अम्मी आई हैं, ये देखिए जी अम्मी आई हैं, आके सोची पड़ी हुई हैं कि होया अम्मी परेशान हो गए हैं, गर्मी तो अच्छा। सलाम का सलाम भी करनी लो, सारे धर्म भी लोग बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरे बच्चे खुश रहो आबाद रहो। अम्मी ऊंची बोलो, मेरे बच्चे खुश रहो आबाद रहो, तंदुरुस्ती जिंदगी रखे रब, कामयाब हो अल्लाह मियां तुहानू कामयाब करे, कामयाब करे बेटा। ठीक है जी, अम्मियों की दुआएं बड़ी बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, तो अब तो अम्मी है तो हमें दुआएं मिल रही हैं। और अम्मी आई हैं अम्मी की खबर लेने, तो अम्मी की खबर, अम्मी की बात करवाती हूँ कॉल पे। यहाँ पे क्या हो रहा है जी, ओह हाय अली को पाउडर में लगा हुआ है, ओ देखिए अली मरियम सारा पाउडर अंदर तबाह बर्बाद हो रहा है, हैं अली जरा ना। हाँ ये अली, मैंने अली को नहाया भी नहीं। अफशा अफशा सलाम कर लो सबको, अफशा नमाज पढ़ने लगी है। वो देखो नहीं क्या कर रहा था, ये देखो पाउडर निकाला हुआ। हाँ ये जाने रखा, ये रखो इसको शीशे में। हाँ तो मरियम अम्मी आई है, अम्मी को चाय वगैरह बना दे। हाँ मैंने ना बनाया था, अफशा आई थी इसको बुलाया था, आ जा कट्ठे चाय पिए। आके अफशा ने अपना काम किया, किसी की वरी के कपड़े आए हुए थे सिलाई करने के लिए, तो ये बना रहे थे। तो देख के बताना जी कैसे हैं ये कपड़े। अफशा भी यहाँ पे ले रही होनी। अच्छा ये किसकी किसके साथ है चोली, ये दुल्हन का है, लोगो को तो दिखाना एक चोली का साइज तो दिखाना दो मुझे।
अच्छा ये है, अच्छा नीचे से भी चौक नहीं इसके बने हुए, ठीक वो थोड़ी सी वो है ना। अच्छा अभी पीछे से भी नहीं बना, पीछे से भी बना। प्यारा लग रहा है ये दुल्हन का ब्राइडल का है। हाँ जी ये तेल मेहंदी क्या है, अभी आधा तैयार हुआ अभी आधा तैयार नहीं हुआ। अच्छा ये भी सूट बड़ा प्यारा है, इसका ना दुपट्टा बड़ा प्यारा है, ये निकाह का सूट है। ये देखो दुल्हन बड़ी स्मार्ट लग रही है, देखो गाइस बड़ी स्मार्ट है। हाँ, तुम भी कभी इतनी थी आप। दुल्हन बड़ी छोटी सी लग रही है, है? तेरा शर्ट छोटी है, ग्रानी शर्ट छोटी बनवाई है। नहीं नहीं और स्मार्ट भी बड़ी स्मार्ट भी काफी स्मार्ट है, मेरा काफी स्मार्ट है। और ये जींस खराब करा, ये तुमने कब सिया? घर जा रही हो बात, एक मिनट अमीर चलते हैं। वाह वाह जी वाह, ये लोन कहां से ली है? लो जी ये आपको इसकी कॉस्ट बताऊं ना कि इतना सस्ता ये फ्रॉक बना है, पता कितने का? अच्छा जी ये मैं आपको बताऊं, और ये है अभी रेट नहीं बताना, लेकिन रेट नहीं बताऊंगी चलो ठीक है, लेकिन ये अभी अलकरम का मेरे लगता है ना, अलकरम का है। इसकी ये थोड़ा सा हुआ हुआ है इस टाइम नजर आ रही है। तो ये देखिए कितना प्यारा शाल सिलाई किया, ये लो देखो ये भी दिखाओ, फुल दिखाओ, ये भी मैं फुल दिखा रही हूं। वो आई हुई थी अपने काम कर गई, ये चाय पीने आई थी तो बड़े अच्छे यानी अम्मी के बड़े आई थी ना, तो साथ अम्मी को मिला तो अम्मी ने काली काली पै गई है। चले उधर कुड़ी ने भी लेना तो फिर अम्मी को जल्दी पड़ी हुई, मैं घर जाऊं यशाला में रहता है लाके है, चल ठीक है बहुत प्यारे इसका घराना है। किस अल्लाह मियां किस्मत अच्छी करे, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। हां भाई अम्मी निकाह का सूट है, रोटी खा के निकल जाओ। चलो फड़ी अम्मी ने, मेरे गोडे च दर्द अगे बनी रही है। अम्मी दे वॉशरूम जा रही एकदम पता नहीं लोहे की रात, लोहे का दरवाजा ना जोर की वजह है ना अम्मी लोहे बुआ वजिया दरवाजा वजिया लगे जिद वजह तो हो गया। वो जो बिल्ले पट्टी वाले से हम लाख घर रखते हैं तेल, वो ले क्या भाई से वो बोतल में हाँ। तेल हो ओ हाय अम्मी तो देखो देना, फिर अम्मी रह लो तो कोई डॉक्टर पे ले जाओ मामा। नहीं वो देखते हैं ना भी डॉक्टर पे भी ले जाते हैं, लोग भी जैसे तेल है मामा ये लोग चल रहे हैं। चलो उन है रे व्लॉग में पता लग जाएगा जी हमारी अम्मी गिर गई है, देखे लगाना करना किसी तो कार्य हो के ही आई हले। सारी तरह वापी फैला दे, आप ही अम्मी कह भी रही अम्मी ना कहीं जाने पी अम्मी हमेशा अम्मी तो दवाइया नहीं खा रहे सोजा पे भले आप आए नहीं मेरी उम्मीद भी खबर ले लो
बाजी की खातर आई सा खैर ना घर आओ फिर दोवे भैन बवाइया पट्टिया पट्टी गर्म कर दे उत्ते गर्म पट्टी हां आपको लगी होती तो आपको पता लगा मेरे को बैठ के बड़े हो मरियम आज अपने वजन आप करेंगे ना एक तो अम्मी पता नहीं मोटी क्यों होगी फुफो अगे बोल दिए मार गर्मी लग रही ये दरवाजा बंद करो पट्टी लेके ठहरो पट्टी लेके आओ उसको अफशा ने परेशान हो गई है अफशा ने अम्मी अफशा ने अम्मी ने अफशा के साथ मिलकर पूरी वरी मुकम्मल करनी थी अब अफशा बेचारी परेशान हो गई क्योंकि अफशा की तबीयत भी नहीं ठीक है अम्मी क्यों रो रहे हो अम्मी तो रोन लग पी ओ मेरे सब तो ज्यादा तो लग कि अम्मी ने दिल चांद है आए अम्मी ने बैठो कितनी फिक्र है मेरी अफशां वालों मेरे दिल च बड़ा आंदा है ससा डेलो नहीं आंदा हां सी तारीया बेटियां नहीं देखो नहीं नहीं बस अम्मी ने अफशां ने सिदरा ने बहुता प्यार है बहुत प्यार अफशां अफरीद अफरीद देख सिदरा है ना व्लॉग देख रही हो सिदरा वे अम्मी कहती सिदरा भी दिखाओ वे ते इकरा भी दिखाओ कह रहे सिदरा भी दिखाओ ए इकरा भी मरियम भी हैं हम कितनी दुखी है हमारा भी कभी कोई सुनेगा ही ना दुख अच्छा जी ऐसी माँ भी देखी आपने दो बेटियां मम्मी का नजदीक नहीं गई दूर है मम्मी नो याद मामा बाबा थी तुम्हारे पास ना इधर टाइप करके नीचे है लेकिन अगर अम्मी को पेन ज्यादा होगी तो बिल्ला पट्टिया वाला है शेरा वाले उधर लेके जाएंगे जहाँ पे वो नहीं रहती हमारा और वो नहीं लग रही वो हमारा वो सिस्टर है दोनों व्लॉग बनाती है आप ही उनकी इतनी नकले सारा दिन उतारती रहती तो ये देखे नहीं मिन्हा अपनी मामा को बुलाने की चलो अम्मी फिर लेट जाओ हूं हूं तो अनशानी तो पेगी ना दर्द वो नहीं वो दर्द दी टाइप गोली नहीं है ना उम्मीद गोली गोली जड़ी हुंदी है कहते ना से हुत होते नहीं कर सकते सर नहीं नहीं लेके जाते हैं अभी लेके जाते हैं लेट जाओ बुला देते हैं वो देखो वो देखिए इसी वाला पानी तो नहीं पी रहा दी अली ये पाइप को मुंह लगा देता पी नहीं रहा वो क्या कर रहा है ऊपर करके ऐसे कर दुआ वो नानो गिर गई है अली तन बहुत बदतमीजी आ गई है वो नानो गिर गई है पता है उन्होंने की लगे हैं चलो ये देखे देखे जी ये नहीं नहीं ये देखे क्या हो रहा है मासी तो अपने वहां पर सिक्की कर देंगे मासी की लड़ाई हो गई देखा देना हां ना तो कुड़का ना चली अच्छा जा रही है हां हां जा रही चलो 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 मामा निकल गया चल चल नहीं निकल चल 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 हाँ है चल इसे उठा नीचे चलो जी ये जा रहे हैं आप अम्मी हो गई बीमार अच्छा पुरखा ऊपर है नहीं तुम्हारा ऊपर नहीं है अच्छा चलो फिर जा रही है फिर बाय बाय अम्मी को देख लेना जरा चल ठीक है तो खुद ही देखेंगे तू तो चलनी है ना बेबी कल हो गई तू की कल देख लूंगी तो किथे जाना है की कर जाना चल आ जाओ फिर
ये तो मुझे कमेंट्स में आप सब ने बताना है जितना मर्जी कर लो, ये नहीं चलो जी ना करें कोई बात नहीं, आपको क्या समझ कोई बात नहीं, लड़ाई हो गई शुरू। वो देखें अली मांगता जैन का ये दागा नहीं आया, ये पता नहीं क्यों दागा लेके सारे घर के जिसने घर में शॉपर आ जाए ना, जिनके पास पैसे नहीं ना होते वो इस तरह शॉपरों के धागे बांध दो रहते हैं। ये गरीब लोग है, गरीब लोग ऐसे करते हैं। चलो जैन क्या मांग रहे हैं, क्या समझता है खुद को, क्या समझता पागल है। तो चलो ठीक है फिर, मैं नीचे जा रही हूँ, जाके आटा वगैरह तुम खाना बनाऊ। अम्मी गिर गई, सारे व्लॉग का यहीं पे इसी में व्लॉग बन गया। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे ये बताना किस किस के घर बच्चे जब आंधी आती है तो इस तरह शोपड़ उड़ाते हैं। ये नहीं बताएंगे जितना मर्जी, ये नहीं नहीं ये ला भी बताना, सब बताना जो जो मेरे ब्लॉग को देख रहा है। और कमेंट्स बताओ, हमें कुछ बताओ ना कि हम क्या किया करें। नहीं वो नहीं बताते, लेकिन हम खुद ही कर लेंगे। हम भी ठीक ठडियां हैं, हम करती जाएंगी करती जाएंगी, कभी ना कभी तो नेक्स्ट टू डेज में हमें बहुत फेमस जगह जा रही है, इनको बता देना। जिसने गेस किया बहुत फेमस जगह पे जा रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि और मेरी बात सुने, मैंने इम्पोर्टेंट बात नहीं की। लोग हमें ये कह रहे हैं कि ना कभी ये कहती है हमारी सास बीमार हो गई, कभी ये कहती है हमारी सास को बैटरी पड़ गई, कभी नहीं पड़ गई। देखिए मेरी बात सुने, कभी ठीक हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो वो वाकई में बीमार था। अब हमारा बन गई, जो हो रहा है, जो डॉक्टर कह रहे थे हमने वही बताया है। अब अल्लाह ताला ने उनको बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी सेहत दी है, खुदा का वास्ते। अगर आप लोग दुआ नहीं ना कर सकते तो अपनी इतनी बातें भी ना देखा करें, फिर हमारा वे लोग हाँ जी। तो आप प्लीज हमें मोटिवेट किया करें, बल्कि ना हमारा के हौसला गिराया करें, हमारा हौसला सही किया करें। तो इस तरह नहीं करते। जाहिर मेरी सास बहुत बीमार थी, उनको कल हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के लाए हैं। तो उनको इतना ज्यादा इश्यू था, तो अब उनके फेस से लग रहा है वो बीमार है, वरना वो घर ना आए, वो घर में नजर आती हैं आपको। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। प्लीज हेट कमेंट ना किया करें, और वो जगह गेस कर ले जिसने अच्छा गेस का, उसका नाम लेंगे व्लॉग। हाँ जी ठीक है, जो अच्छा जो हमें बताएगा कि हम किस जगह पे जा रहे हैं, फेमस है, फेमस जगह पे। और क्योंकि वो आगे वो डेज आगे आने वाला है, हम उस जगह पे जा रहे हैं, हम इतना सा हिंट दे देते हैं क्योंकि आगे वो डेज आने वाला है, फेमस डेज आने वाला है। हाँ आने वाला है, तो हम उस जगह पे जा रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, हाँ जी। तो हम कमेंट में जो बताएगा हम उसका नाम लेंगे अपने व्लॉग में। तो इसी के साथ हम व्लॉग को एंड करते हैं जी। अपनी दुआओं में याद रखें, ज्यादा से ज्यादा हमारे व्लॉग को शेयर करें, कमेंट्स करें, और बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा मुन्ना सा कमेंट करें। अब हमारी अम्मी के टांग के लिए भी दुआ करें, हमारी सास के लिए भी दुआ करें, क्योंकि हम अपनी सास को अपनी माँ समझते हैं, क्योंकि उन्होंने भी हमें अपनी बेटियाँ समझा है हमेशा से। तो लोगों को इस बात की भी थोड़ी सी हो रही होगी ना, हाँ ये सास को माँ समझती क्यों है, वो इनको बेटियां क्यों, ये उनके लिए दुआएं क्यों करवा रहे हैं। ये भी लोग कहते हैं कि हाय अल्लाह साड़ी सास नहीं की शुक्र है, लेकिन हम कहते हैं अल्लाह में उनको लंबी जिंदगी दे, हमारी भी लग जाए क्योंकि वो अच्छी है। चले जी हम दुआ में याद रखें, और हम भी आपको याद रखेंगे। खुदा हाफिज़, बाय बाय।